काफी ज्यादा लोगों ने ध्रुव राठी के वीडियो को पसंद किया, लेकिन कुछ लोगों ने ध्रुव राठी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। देश के मुद्दे की जब आप बात करते हैं तो आप कुछ भी कहेंगे तो उसकी सराहना तो होगी, साथ ही कुठाराघात भी करने वाले कम नहीं होंगे। ये बात ध्रुव राठी की नहीं है, ये बात आपकी भी है, ये बात मेरी भी है, ये बात देश की 140 करोड़ की आबादी की भी है। हमें सोचना है, समझना है कि क्या सही हो रहा है आने वाले समय में, क्या वाकई हम अपने आप को लोकतांत्रिक देश कह पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा देश का, मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। ठीक 7 दिन पहले मुद्दा देश का में मैंने बात की मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी की और उनके द्वारा बनाए गए एक वीडियो की, जिसमें उन्होंने डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी को लेकर मौजूदा सरकार को आईना दिखाया था, जिसके बाद कई दिन तक वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहे। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ध्रुव राठी के वीडियो को पसंद किया, लेकिन कुछ लोगों ने ध्रुव राठी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जैसे कि विपक्ष से पैसे लेना या बाहर से फंडिंग होना। पूरी तरीके से इन लोगों ने ध्रुव राठी को रोस्ट कर दिया। खैर देखिए, देश के मुद्दे की जब आप बात करते हैं तो आप कुछ भी कहेंगे तो उसकी सराहना तो होगी, साथ ही कुठाराघात भी करने वाले कम नहीं होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या इस वीडियो के बाद कुछ बदलाव देखा गया है? क्या ध्रुव राठी ने भारत को नॉर्थ कोरिया से कंपेयर कर दिया है, या वाकई देश में इतना कुछ हो रहा है लेकिन हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं? ये सवाल पहले भी मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया था और आज भी आपके ऊपर ही छोड़ रही हूँ। तो चलिए एक बार फिर से आपको उसी वीडियो के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सप्ताह हो गया इस बात को और एक सप्ताह में क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताऊंगी, और साथ ही साथ उस वीडियो में क्या कुछ कहा गया था उसका भी जिक्र करूंगी, क्योंकि ये ज़रूरी है। सवाल एक कि क्या भारत में वाकई लोकतंत्र खत्म हो रहा है? क्या आने वाले समय में भारत में चुनाव ही नहीं होंगे? निष्पक्ष अपने आप को एक नेता के तौर पर खड़ा कर दिया जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब शायद मेरे पास तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास ज़रूर हो सकते हैं। मैं ध्रुव राठी का बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रही हूँ और ना ही ध्रुव राठी के अगेंस्ट में मैं बात कर रही हूँ। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ देश की जनता का है, इसलिए देश की जनता पर ही मैंने छोड़ दिया है। देखिए, यूट्यूबर ध्रुव राठी ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया था, एक सप्ताह से ज़्यादा का वक्त हो गया है, और इसका टाइटल दिया था उन्होंने द डिक्टेटर। जैसे ही वीडियो उन्होंने अपलोड किया वैसे इस पर करोड़ों व्यूज आ गए। ध्रुव राठी पूछता है कि क्या भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? इसके बाद हर कोई इस पर कहीं ना कहीं नज़र बनाए हुए है। इसके बाद वो मुख्य रूप से किसान आंदोलन और चंडीगढ़ बेयर चुनाव के हवाले से बताते हैं कि भारत तानाशाही के रास्ते पर चल पड़ा है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में होता है, चाइना में होता है, रूस में भी ऐसी तस्वीर नज़र आती है, जहां पर अगर उनके अगेंस्ट कोई और नेता खड़ा होता है या तो उसे किसी तरीके से अघोषित कर दिया जाता है, उसे पूरी तरह से उस पर क्रॉस लगा दिया जाता है, या फिर वो आपको मिलता ही नहीं है। इस वीडियो को अब तक 18 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। ये वीडियो भारत को एक पार्टी एक राष्ट्रयोग बढ़ता देश बताता है, जिसमें मीडिया की स्वतंत्रता खतरे में भी बताई है। विधायकों की खरीद फरोख, खरीद बिक्री, गवर्नर राज्यों में मनमानी कैसे कर रहे हैं, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है या है, जांच एजेंसियां कैसे काम कर रही हैं, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार क्यों कर रही हैं, कई ऐसे हैं जो इसका सपोर्ट भी करते हुए नजर आए। इन सब और ऐसी ही अन्य बातों के आधार पर कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के शासन में भारत तानाशाही की ओर आगे बढ़ रहा है। अब आप सोचिए कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं तो इस पर कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूंगी, बस जो खबर है वही आप तक पहुंचाऊंगी। ध्रुव राठी आगे कहते हैं, मैं नरेंद्र मोदी शासनकाल की कुछ घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं, जब उन्होंने आम सहमति बनाने की कोशिश की, सफल न होने पर अपने एजेंडे को स्थगित कर दिया या कदम वापस खींच लिए। ऐसा तब हुआ जब उन्होंने दोनों बार लोकसभा चुनाव खासे बहुमत से जीते हैं और पार्टी के अंदर उनके नेतृत्व की कोई चुनौती भी नहीं है। बिल्कुल हाँ, अगर बीजेपी की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है, शायद इस चेहरे पर इतना विश्वास लोगों को हो चुका है कि बीजेपी अब सिर्फ नरेंद्र मोदी बन चुकी है। हो सकता है ऐसा, आप कमेंट करके बताएं कि ऐसा है क्या। अगर वो मनमानी करने के लिए तकनीकी तौर पर, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, बिल्कुल सक्षम है, एक्सक्लेमेटरी इसलिए कि वो क्या ऐसा कर रहे हैं, क्या पार्टी में ऐसा हो रहा है, क्योंकि विपक्ष भी यही राग अलाप रहा है लगातार। आप ये भी कह सकते हैं कि भारत में किसी भी नेता को ऐसा ही होना चाहिए जो ज़्यादातर सहमति बनाकर चले, या आप ये भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी टालमटोल करने वाले नेता हैं जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में बात करते हैं, उनको शायद ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जो विपक्ष में रहकर लगातार
वाकई देश के लिए सोच रहे हैं उनको शायद इस पर गंभीरता नजर आए। टालम टोल करने वाले नेता, हालांकि मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि देश में डेवलपमेंट नहीं हुआ है या ध्रुव राठी ने भी ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन क्या हमने आंखें बंद कर ली हैं? अगर बीती घटनाओं का जिक्र किया, जैसा कि ध्रुव राठी ने भी किया, मैं भी वो बता रही हूँ, क्या उसे हमें आंखें बंद कर लेनी चाहिए या देख कर भी अनदेखा करना चाहिए, या फिर इस पर हमें कुछ कमेंट ही नहीं करना चाहिए, या फिर ये कह लेना चाहिए कि जो चल रहा है ठीक है, हमारे लिए सब बेहतर, हमें क्या करना है, हमें जाके वोट देना है, कोई भी जीते हमारा काम होना चाहिए। क्या आपका काम हो रहा है? बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर फैसला लेने से कतरा जाते हैं। कुछ मिसालें हैं, कुछ बातें हैं, जैसा कि न्यायिक सुधार का अधूरा सपना और कोलिजियम सिस्टम की निरंतरता। 2014 की बात है जब चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने न्याय प्रक्रिया को तेज और असरदार बनाने का वादा किया था। न्यायिक नियुक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग यानी कि नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाने की बात कही घोषणा पत्र में शामिल की थी। नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में ये बात कितनी ऊपर थी, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि सरकार बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले इस पर काम शुरू किया और संसद के दोनों सदनों से लगभग आम सहमति से नेशनल जुडिशियल एम्प्लॉयमेंट कमीशन बिल 2014 पारित किया और 20 राज्यों के विधानसभाओं से इसका अनुमोदन भी हासिल किया। पर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने इस कानून को निरस्त कर दिया और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कभी इस दिशा में कोई पहल नहीं की। न्यायपालिका के आदेश को बेअसर करने के लिए कोई संविधान संशोधन ही लाया गया। देखिए, भारत में जनता की इच्छा सर्वोपरि है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और ये इच्छा संसद और विधानसभाओं के जरिए अभिव्यक्त होती है। इसके बावजूद संसद और विधानसभाओं की सहमति से बना कानून न्यायपालिका निरस्त कर देती है और जज अपनी नियुक्ति का अधिकार अपने हाथों में बनाए रखते हैं। कोई तानाशाह ऐसी स्थिति में जो कुछ करता या कर सकता था वैसा ही कुछ नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। अब यहां जिक्र होता है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कोर्ट के आदेशों की कैसे धज्जियां उड़ाई थी वो ताजा इतिहास है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने शक्तियों के विभाजन के संवैधानिक सिद्धांत का आदर किया है। इसमें क्या गलत है, क्या सही, कमेंट जरूर करें। दूसरा पॉइंट है किसानों का। देखिए, किसानों पर लगातार बातचीत हो रही है और 2014 के बाद से, क्योंकि किसानों पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र था, और जब 2020 से लेकर 21 तक आंदोलन हुआ किसानों का, तब किसानों पर और ज्यादा फोकस आ गया पूरे देश का। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया है, ऐसी बात ध्रुव राठी कर रहे हैं। 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए अपने वादों के मुताबिक 3 कृषि कानून संसद में पास किए। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम और आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम के जरिए कृषि क्षेत्र की जड़ता को दूर करने का इरादा था। इसके जरिए किसानों को MSP सिस्टम के बाहर उपज बेचने के लिए स्वतंत्र करने और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाजत देने का मकसद था। लेकिन बड़े किसानों, खासकर पंजाब और हरियाणा की हम बात करें, तो MSP निर्भर किसानों को लगा कि APMC मंडियों का सिस्टम टूटा तो देर सवेर MSP भी जाएगा और उनको इससे मिलने वाला फायदा भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इस आधार पर उन्होंने आंदोलन शुरू किया और ट्रैक्टर लाकर दिल्ली आने के 3 प्रमुख रास्तों को पूरी तरह से जाम कर दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके साथ कई दौर की बातचीत की, पर आंदोलनकारी किसान मानने की तैयार नहीं थे। इसे देखते हुए सरकार ने किसान कानूनों का अमल रोक दिया। इस तरह खेती में सुधार का अपना एजेंडा नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया। क्या यह तानाशाह के काम करने का तरीका है? क्या यह तरीका है? एक बार फिर से बोल रही हूं कि क्या यह तरीका है? आपने भरोसा दिया था किसानों को, वो भरोसा क्या आपने पूरा कर दिया? जमीन अधिग्रहण में सुधार को लगा ग्रहण। जी हाँ, अपने कार्यकाल में शुरुआती दिनों में ही नरेंद्र मोदी ने उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण को आसान बनाने की कोशिश की। इस क्रम में सरकार ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा, पारदर्शिता का अधिकार बिल 2015 में पेश किया। इस बिल का मकसद 2013 के भूमि अधिग्रहण कानूनों की कमियों को दूर करना था, क्योंकि 2013 के कानून के उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण को काफी जटिल बना दिया था। खासकर 70-80% आबादी की सहमति वाली धरा से काफी दिक्कतें आ रही थी। भूमि अधिग्रहण के सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन की विधि में भी एक प्रमुख अड़चन थी, जिसे नए बिल में दूर किया गया। पर इस बिल को लेकर विरोध बढ़ गया और विपक्ष और सिविल सोसाइटी के संगठनों ने आंदोलन शुरू कर दिया। आखिरकार सरकार ने 9 सुधारों के साथ इस बिल को पास करा दिया। नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा झटका था, पर आम सहमति के लिए उन्होंने अपने ही कानून को कमजोर कर दिया। क्या यह तानाशाही नहीं था? नागरिकता संशोधन बिल CA कानून बना पर ना हो सका लागू। जी हाँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 जनवरी 2014 तक वहां से भारत आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने के लिए सरकार ने CA 2019 कानून पास किया।
इसे गजट में प्रकाशित भी कर दिया था। इसके सबसे बड़े लाभार्थी बांग्लादेश से आए दलित हिंदू शरणार्थी होते, जिनकी संख्या 1 से 2 करोड़ के बीच हो सकती थी। इस कानून के बनने से पहले इसे लेकर काफी विवाद हुआ और अब फिर से विवाद ना हो जाए इसके लिए सरकार ने बने हुए कानून को लागू नहीं किया है। अभी तक अब तक संबंधित नियम नोटिफाई नहीं किए गए हैं और इस तरह नए कानून से एक भी व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जा सकी। आम सहमति ना होने पर नरेंद्र मोदी इस तरह कानूनों को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। इसे तानाशाही प्रवृत्ति तो नहीं कहा जा सकता, क्या कहा जा सकता है फिर, ये आपके ऊपर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुस्त चाल, यूसीसी अभी हाल ही में उत्तराखंड में पास हुआ है, कानून बनने में अभी थोड़ा सा समय है। सभी धर्मों के लिए समान नागरिकता बीजेपी का प्रमुख मुद्दा रहा है हमेशा से, जिसे चुनाव घोषणा पत्र में भी जगह मिलती रही है, पर दो बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार इसे लागू करने की जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं है। सरकार जानती है कि विवादित मुद्दा है और इसे लागू करने की कोशिश की गई तो समाज का एक वर्ग विरोध जरूर करेगा। केंद्र सरकार ने अब तक इसे छुआ तक नहीं है। हालांकि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून पारित किया, जैसे कि मैंने अभी जिक्र भी किया। मोदी सरकार शायद इसे राज्य सरकारों के जरिए क्रमिक रूप से लाएगी और प्रतिक्रिया का लगातार अध्ययन करती रहेगी। मोदी सरकार पर यह आरोप नहीं लग सकता कि उसे जन भावनाओं की परवाह नहीं है, बेशक वे समाज के हिस्से हों या अल्पसंख्यक हिस्से की भावना ही क्यों ना हो। कटाक्ष है लेकिन बात सही है तो बताएं जरूर। ओबीसी की बंटवारा और रोहिणी कमीशन रिपोर्ट। अति पिछड़ों को लाभ देने के घोषित उद्देश्य से मोदी सरकार ने अक्टूबर 2017 में अनुच्छेद 340 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग बनाया, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली हाई कोर्ट की रिटायर्ड चीफ जस्टिस रोहिणी को सौंपी गई। इस आयोग ने संभलकर काम शुरू किया और इसे 13 बार कार्य विस्तार किया गया। आखिरकार पिछले साल अगस्त महीने में आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। तब से रिपोर्ट सरकार के पास है, पर ओबीसी का एक हिस्सा विरोध ना कर दे और इस आशंका से सरकार इस मामले में जल्दबाजी नहीं कर रही है। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी इसे अधिकतम सहमति से ही लागू करेंगे। महिला आरक्षण कानून अभी और इंतजार। लंबे इंतजार के बाद कानून तो बन गया कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, पर साथ ही यह व्यवस्था की गई है कि 2029 के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। वावाई तो खूब लूटी है सरकार ने, लेकिन 2029 के बाद क्यों? इससे पहले जनगणना की रिपोर्ट चाहिए, जिसके आधार पर सीटों का डिमोलिशन हो सके, यानी इस कानून को भी जल्दबाजी में लागू करने से परहेज किया जा रहा है। सरकार को मालूम है कि जिन सांसदों ने इस कानून के पक्ष में वोट डाला है वो भी इसे लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल है, और साथ ही आरक्षण में ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण की मांग भी हो रही है। मंदिर वहीं बनेगा लेकिन जब कोर्ट का आदेश होगा तब। बीजेपी का राम मंदिर आंदोलन, हिंसा, जोर जबरदस्ती, भिड़तंत्र की मिसाल। भाजपा अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी युग में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर अयोध्या में जुटी भारी भीड़ ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी थी, पर नरेंद्र मोदी ने भीड़ जुटाकर मंदिर निर्माण नहीं किया, बल्कि उन्होंने 7 साल तक कोर्ट के फैसले का इंतजार किया और फैसला आने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू हुआ। काशी और मथुरा बीजेपी के एजेंडे हैं, लेकिन सरकार यहां भी अदालत के आदेशों से ही आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर इस मामले में न्यायपालिका का सम्मान हुआ नरेंद्र मोदी की बीजेपी को, वाजपेयी अडवाणी की बीजेपी की तुलना में। कानून और कोर्ट की ज्यादा परवाह है, एक्सक्लेमेटरी यहां भी है, सवाल यहां भी है, क्या ऐसा है? सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल पर यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को रिट्वीट करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। दरअसल ये मामला काफी पुराना है, इसमें राजनीति भी खूब हुई है। केजरीवाल जो कि हर जगह से फंसे हुए इस मामले में भी कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे थे। इसको लेकर कई नेता हैं, उन्होंने इस बात को सही ठहराया कि हाँ ध्रुव राठी ने बिल्कुल सही किया है। हालांकि केजरीवाल ने माफी मांग ली थी, ये 2018 की बात है, 18 का मामला है, ऐसा वीडियो डाला गया था जिसको लेकर उन्होंने रिट्वीट कर दिया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए बात भले ध्रुव राठी ने कही हो लेकिन सवाल तो जायज हो सकता है ना। देखिए जो घट रहा है वो तो देखना बनता है, हम आंखें बंद नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार ने बेहतर काम नहीं किए हैं, सरकार ने वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को और ज़्यादा अच्छा नहीं किया है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, लेकिन हमें सोचना होगा कि क्या वाकई सरकार जो कर रही है वो सही मायने में सही है, या फिर जो पॉइंट्स ध्रुव राठी ने पॉइंट आउट किए हैं उस पर हमें सोचने की जरूरत है। ये बात सिर्फ ध्रुव राठी की नहीं है, ये बात आपकी भी है, ये बात मेरी भी है, ये बात देश के 140 करोड़ की आबादी की भी है। हमें सोचना है, समझना है कि क्या सही हो रहा है आने वाले समय में, क्या वाकई हम अपने आप को लोकतांत्रिक देश कह पाएंगे, हम आपको
हम अपने आप को स्वतंत्र कह पाएंगे, हम अपने आप को लोकतंत्र कह पाएंगे? बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया जैसे हालात हो जाते हैं या फिर चाइना जैसे हालात हो जाते हैं या फिर रूस जैसे हालात हो जाते हैं तो शायद डेमोक्रेसी यहाँ पर परिभाषित नहीं होती है। डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ फिर दूसरा हो जाएगा, शायद परिभाषा ही चेंज हो जाएगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। देश का मुद्दा में आज के लिए इतना ही, अगले सप्ताह फिर लौटेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।